नमस्कार दोस्तों, खाद्य सुरक्षा योजना के फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने अभी फॉर्म भर दिया है और जिन लोगों ने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है, उन दोनों के मन में एक कॉमन सवाल है कि अब तक खाद्य सुरक्षा योजना में कितने फॉर्म है जो भरे जा चुके हैं। साथ ही क्या हम थोड़ा सा लेट अगर फॉर्म भरेंगे तो क्या हमारा नंबर खाद्य सुरक्षा में आएगा या नहीं आएगा। साथ ही इसकी लास्ट डेट है वो क्या रहने वाली है, और जो बजट में घोषणा हुई थी उस घोषणा के अनुसार क्या खाद्य सुरक्षा योजना में 10 लाख लोग जोड़े जाएंगे या फिर 10 लाख परिवार जोड़े जाएंगे। तो इन टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल करना है ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको है जो मिलती रहेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर खाद्य सुरक्षा योजना की जो बजट घोषणा हुई थी उस घोषणा में मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि 10 लाख नए पात्र परिवारों को है जो जोड़ा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि 10 लाख लोग जोड़े जाएंगे, जो कि सही नहीं है, क्योंकि मान लो एक राशन कार्ड के अंदर 5 लोग होते हैं तो यहाँ पर दोस्तों 2 लाख राशन कार्ड होते ही आपका जो 10 लाख का सरकार ने टारगेट रखा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक परिवार यानी कि उस परिवार में कितने भी मेंबर हो सकते हैं, 8 से 10 से लेकर हो सकते हैं, तो वहाँ पर है जो उन सभी मेंबर को एक परिवार के रूप में माना जाएगा और वो संख्या है जो एक काउंट होगी, यानी कि 10 लाख परिवार यानी 10 लाख राशन कार्ड को 10 लाख परिवार माना जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपका खाद्य सुरक्षा योजना में सिलेक्शन होगा। अभी यहाँ पर बात करते हैं कि जो इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर बता देता हूँ कि अभी सरकार की तरफ से इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन आप लोग लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल ना करें। आप लोग आज ही अपने फॉर्म को तैयार करें और ई मित्र पर जाकर है जो उसको ऑनलाइन करवा दें। क्या है कि फॉर्म आपका जाएगा फिर फर्स्ट लेवल पर SDO ऑफिस के पास, वहाँ से स्वीकृत होने के बाद जाएगा सेकेंड लेवल पर, और अगर आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है तो बिल्कुल आपका फॉर्म है जो जल्दी अप्रूव होके ओके हो जाएगा। उसके बाद है जो आपको खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक सवाल ये भी आ रहा है कि अब तक खाद्य सुरक्षा योजना में कितने फॉर्म भर लिए गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अभी तक है जो कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, क्योंकि अभी तक बहुत सारे जो फॉर्म भरे गए हैं उनमें से बहुत ही कम संख्या में फॉर्म है जो अप्रूव हुए हैं यानी कि वेरीफाई हुए हैं। बाकी काफ़ी सारे जो फॉर्म है उसमें है जो सेंड बैक आ रहा है किसी भी कारणवश, यानी कि कोई प्रमाण पत्र को लेकर या फिर जो श्रेणी है कैटेगरी उन्होंने सही नहीं डाली है, इस वजह से है जो सेंड बैक काफ़ी आ रहे हैं। तो आप लोग अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो बिल्कुल अपनी सही कैटेगरी से फॉर्म भरें, साथ में उसका जो प्रमाण पत्र है वो अच्छे से अटैच करें ताकि आपका फॉर्म है जो सेंड बैक ना आए। तो दोस्तों आपको दोबारा से बता देता हूँ कि अभी तक कितने फॉर्म भरे गए हैं इसकी कोई भी जानकारी नहीं है, साथ ही इसकी जो लास्ट डेट है वो निर्धारित नहीं की गई है। लेकिन आप लोग लास्ट डेट से पहले पहले यानी कि लास्ट डेट का इंतजार किए बगैर है जो आप आज ही अपना फॉर्म है वो ऑनलाइन आवेदन कर लें। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा योजना में 10 लाख लोग नहीं बल्कि 10 लाख परिवार है वो जोड़े जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपका फॉर्म है जो वेरीफाई किस प्रकार से होगा, कैसे ओके होगा और कब से आपको है जो खाद्य सुरक्षा में जोड़ा जाएगा, इसके लिए मैंने चैनल पर वीडियो बना रखा है और उस वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर आप वो वीडियो जरूर देखें, उसकी जानकारी है जो आपको पूरी समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। इसके साथ ही अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है खाद्य सुरक्षा को लेकर तो आप इस वीडियो के नीचे जो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उसका है जो रिप्लाई किया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।